हेलो दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल स्टडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी नॉन फेवरेट सब्जी, यानी कि जो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल यूनिक है और एकदम इंस्टेंट है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट में सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए तोरी की सब्जी, जिसे हमारे पूर्वांचल में नेनुआ कहा जाता है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने तड़का ले लिया था, जिसमें है जीरा और कलौंजी, उसके अलावा हमने चना भिगो के ले लिया था, लहसुन कूट के ले लिया है, ये हमने हरी मिर्च ले ली है, इन सबके क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं। टमाटर ले लिया, अगर आप लहसुन नहीं खाते लहसुन स्किप कर सकते हैं। जीरा है, राई है, मंगरेल है, कसूरी मेथी है, जिसमें सूखे मसाले हैं, सूखे मसालों में हमने घर का मसाला जो होता है वो ले लिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हमने ले लिया है। ये सब बेसिक मसाले होते हैं। और उसके साथ साथ आज मैं आप लोगों जो ये सब्जी शेयर करूंगी, ये एकदम इंस्टेंट सब्जी मैं बनाकर रेडी करूंगी। तो इस सब्जी को मैं आज बनाऊंगी कुकर में। हाँ जी, ये सब्जी जो होती है, यानी कि नेनुआ की सब्जी, अक्सर करके हमने कढ़ाई में बनते हुए देखा होगा, कुकर में हमने कभी इसे बनते हुए नहीं देखा होगा। तो आज मैं इस सब्जी को बहुत ही कम से कम तेल में और भी बगैर प्याज के मैं इसे बनाकर रेडी करूंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल है, इसी में मैं सारी सब्जी बनाकर रेडी करूंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सब्जी बनकर रेडी होगी। जो नहीं खाता होगा इस सब्जी को ना, वो भी मांग मांग के खाएगा। तो हमने पहले सारा तड़का वाला जो हमारा इंग्रीडियंट्स था वो हमने डाल दिया, तो हमारा चटक गया। तो उसके बाद से हमने जो हमारे पिसे मसाले थे वो इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर, उसको भी हम अच्छे से इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम सॉटे कर लेंगे, यानी कि हल्का सा हम इसे भून लेंगे जब तक हमारा थोड़ा सा टमाटर गल नहीं जाता। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन जो हमने कूट के रखा था, वो हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। आप लोग तड़के में भी हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, पर इस टाइम हरी मिर्च ऐड करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो तड़के में नहीं होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। उसके अलावा ये अपना मतलब अर्क नहीं छोड़ता है तेल में, तो ये फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद हमने चना डाल दिया था, चना और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको पका दिया था। अब हमने इसमें ऐड किया है नेनुआ। नेनुआ हमने पहले ही छीलकर धुल लिया था, ध्यान रखिएगा, और नेनुआ के हमने पूरे छिलके नहीं निकाले, क्योंकि हमने कहीं सुना था कि जो हमारे नेनुआ होता है ना, इसमें जो छिलका होता है इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, और जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो नेनुआ का छिलका नहीं गलता, लेकिन अगर हम कुकर में बनाएंगे तो नेनुआ का छिलका आसानी से गल जाएगा। तो हमने 5 से 6 सीटी लगा दिया, देखिए अच्छे से पक चुका है। तो जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसको हम गला लेंगे तेज़ आँच करके, तो तेज़ आँच करके हम रख देंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक के लिए, तो ये अच्छे से गल जाएगा हमारा पानी। तो देखिए हमारा पानी अच्छे से देखिए गल रहा है, जितना बचा हुआ पानी था वो भी छूट रहा है। तो अब हमारा ये पानी मुश्किल से सिर्फ उसे 5 मिनट लेगा गलने में, तो हमारा पानी भी अच्छे से गल गया है। अब हम इस नेनुआ की सब्जी को सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, जो नहीं खाता होगा वो भी सब्जी को मांग मांग कर खाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हुई थी। तो आप लोग भी अगली बार से क्या करिएगा, आप लोग भी कुकर में ये नेनुआ की सब्जी बनाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आई नेनुआ की सब्जी की, तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को एक कुकर में बनी हुई मेरी नॉर्मल सी ये नेनुआ की सब्जी कैसी लगी। और अगर ये अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।